जय हो गणेश जी महाराज की। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो में। आज हम जानने वाले हैं कि सपने में काला चूहा देखना कैसा होता है या सपने में विभिन्न रंगों के चूहे देखना कैसा होता है। दोस्तों हम देखते हैं कि काले रंग के जानवरों से हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन आपको सपने में काले रंग का चूहा दिखाई देता है तो ये सपना आपके लिए इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में आपके ऊपर महाराज गणेश जी की कृपा बरसने वाली है। अगर काले रंग का चूहा गणेश जी की मूर्ति के आगे नजर आता है तो इसका अर्थ है कि आपका अटका हुआ पैसा आने वाला है। आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें। इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप शिवजी के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ अपने माता पिता का नाम जरूर लिखें ताकि आपके माता पिता पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे। अगर आप सच्चे मन से शिवजी को पूजते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि शिवजी को भोले बाबा कहा गया है। अब बात करते हैं भूरे रंग का चूहा देखना कैसा होता है। दोस्तों आप सपने में किसी जंगल में घूमने के लिए जाते हैं और रास्ते पर आपको भूरे रंग का चूहा देखने को मिलता है तो ये सपना आपके लिए शुभ संकेत नहीं देता है। ये सपना दर्शाता है कि आने वाले समय में आप भय से ग्रसित होने वाले हैं। आप जितना ज्यादा डरेंगे डर आपके ऊपर हावी होता जाएगा, तो इस सपने के बाद जल्द से जल्द अपना डर दूर करना चाहिए, नहीं तो इसका आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सपने में नीला चूहा देखना कैसा होता है। ये सपना आपको सलाह देने का काम करता है कि आने वाले दिनों में आपको कई मुद्दों को साथ में लेकर चलना होगा। कहने का मतलब है कि आपके ऊपर जिम्मेदारियों का भार बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं सपने में स्लेटी रंग का चूहा देखना कैसा होता है। सपने में अगर आपको स्लेटी रंग के चूहे नजर आते हैं तो ये सपना बताता है कि आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। आपको अपने चारों तरफ भय ही भय नजर आता है, आपके दिलों दिमाग में भय बैठा हुआ है, तो आपको इस सपने के बाद अपने मन के भय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपको भय के कारण किसी प्रकार के किसी नुकसान का सामना न करना पड़े। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।